अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है। लोग रात को लाइव में पूछ रहे थे कि वीज़ा के हवाले से क्या अपडेट है, क्या गुलाम हैदर साहब इंडिया में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप लोगों के लिए ये एक बहुत गुड न्यूज़ है कि भारत जाने के लिए गुलाम हैदर के काफ़ी सारे मसाइल जो हैं वो अब हल हो गए हैं। जो कानूनी कुछ पेचीदगियाँ आ रही थी, कुछ कम्प्लेक्सिटी थी, कुछ लीगल फैक्टर्स थे, वो सारे बल्कि काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ क्लियर हो चुके हैं और बहुत जल्द गुलाम हैदर साहब इंडिया की लिए जो है वो रवाना होंगे। ये एक लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये अपडेट हमें काफ़ी अरसा से पता थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर तब तक नहीं कर सकते थे जब तक पूरी तरह से मामला हल नहीं हो जाए थे। अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि दुआओं में याद रखें गुलाम हैदर साहब को, क्योंकि सारे मामला ठीक होने के बावजूद भी सम टाइम, वो कहते हैं ना, हाथी गुजर जाता है तो दुम रह जाती है, तो ऐसा कोई मामला ना हो जाए। बाकी वैसे हमारी सारी मालूमात के मुताबिक अंसार बरनी साहब, मोमिन मलिक साहब और इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी एंटिटीज हैं इस सारे केस को लेकर, उन सब की तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यहाँ पे शाहिद भाई की एफर्ट्स को भी मैं अक्नॉलेज करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से दिन रात एक करके ये सारा काम किया है और इस वीजा प्रोसेसिंग में जिस तरह से असिस्टेंट प्रोवाइड की है। मोमिन सर, मैं समझता हूँ ही इज सच अ लॉयल पर्सन, सच अ सिंसियर पर्सन, और मैं एब्सोल्युटली सबको, अंसार बरनी ट्रस्ट साहब को और उनकी सारी टीम को दिल की जो है वो अथाह गहराइयों से ना सिर्फ शुक्रिया बोलता हूँ बल्कि मैं कहता हूँ कि खुदा करे कि जिस मकसद के लिए आप देखिए, जिस नेक मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हैं, इसका अजर भी आप लोगों को मिले, इसका इनाम भी आप लोगों को मिले, इसका अल्लाह ताला की तरफ से आप पर फजल भी हो। तो गुलाम हैदर साहब जो हैं वो अनकरीब इंडिया के लिए रवाना होंगे। वीज़ा प्रोसेसिंग में है, मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर जा रहे हैं और मोमिन मलिक साहब जिस तरह से इस केस को लेकर चल रहे थे, वी आर वेरी हैप्पी दैट ही इज़ एक्चुअली डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स और आई रियली सल्यूट हिम दैट वट एवर ही इज़ डूइंग आई अप्रिशिएट हिम। और उनकी इस एफर्ट को ना सिर्फ हम एक्नॉलेज करते हैं बल्कि हम उसको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और गुलाम हैदर साहब जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो वहाँ पे पहुँचेंगे, अपने बच्चों से जिस तरह से मुलाकात करेंगे, जो वो सारा प्रोसेस होगा वो एक बहुत दिल को तसल्ली देने वाला होगा। एक जंग जो कई सालों से लड़ी जा रही है, कई अरसा दराज से एक जंग के लिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, अब तो साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बहुत अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव अप्रोच आई है। जिंदगी में समटाइम ऐसा हो जाता है कि इंसान को लगता है कि शायद अब कुछ नहीं होगा, कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन खुदा की मदद जो होती है वो साथ होती है। और हम अक्सर बात कहते हैं ना कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, तो एक रोशनी की एक छोटी सी किरण हमें नजर आई है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं और आप लोगों को जरूर बताऊं कि एक बहुत अच्छी अपडेट है, ये आज की ब्रेकिंग न्यूज है। हमें ये पता था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रहे थे हम लोग, इस वजह से कि हम चाहते थे कि जब तक मामलात काफी हद तक बेहतर ना हो जाए, ग्रीन सिग्नल ना हो जाए आप लोगों के साथ, तब तक हम शेयर ना करें। तो एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच, बड़ी बहुत अच्छी तरह से। और दूसरी तरफ वो क्या कहते होते हैं, मातम की सफ़ें बिछने वाली हैं। आज वो आए हुए थे लाइव में और हमने देखा था, लेकिन हकीकत ये है कि सफ़ें मातम बिछने वाली है, बैन होने वाले हैं। जैसे गुलाम हैदर साहब इंडिया आएंगे तो होश उड़ जाएंगे, मुंह पे उदासी छा जाएगी, मुरझा जाएंगे सारे चेहरे, ये सारे मामलात होने वाले हैं दूसरी तरफ। बट हमारा मकसद उनके चेहरों को मुरझाना नहीं है, हमारा मकसद उन बच्चों को वापस लेकर आना है, उन बच्चों को अपने बाप से मिलाना है, उन बच्चों को अपने उनके मुल्क वापस लेकर आना है जो इस वक्त सबसे ज्यादा विक्टिमाइज हुए हुए हैं। सीमा क्या करे क्या नहीं करे ये उसका जाती फेल है, वो जेल जाए, वो घर रहे, वो सचिन के साथ रहे, वो एपी सिंह के साथ रहे, वी डोंट केयर अबाउट इट। अगर इस सारे फैक्टर में अगर मुझे कहीं सबसे ज्यादा खुशी है तो वो इस चीज की, गुलाम हैदर साहब जब अपने बच्चों से पहली मुलाकात करेंगे, चाहे वो अदालत के इहाते में हो, अदालत की बाउंड्री में हो, और जब अदालत उनको बच्चे सौंप देगी, तो यकीन करें मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन होगा और मैं खुशी से निहाल हूंगा, खुश हूंगा कि एक बाप के लिए हमने एफर्ट की थी, हमने कोशिश की थी और आज उसका जो है वो हमें वो फल जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि ये ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप दुआओं में याद रखें,
क्योंकि सम टाइम सब कुछ भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है। हम इतने अरसे से इसीलिए आपके साथ ये बात शेयर नहीं कर पा रहे थे कि अभी थोड़ा सा टाइम गुजर लेने दें, जब एक प्रॉपर वक्त आ जाएगा फिर हम ये बात करेंगे। तो आप, मुझे लगता है, मुझे कहा गया है कि आप ये कर सकते हैं, आप इस चीज को ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं आपके सामने हूँ, आपके सामने ये बात रखने के लिए आया हूँ कि काफी हद तक मामलात बेहतर हो गए हैं, मामलात बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और वीजे के प्रोसेसिंग का भी काफी हद तक जो है वो मामला ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ना सिर्फ वीजा प्रोसेस हो जाएगा, स्टैम्प हो जाएगा और बहुत जल्द मोमिन सर के पास होंगे गुलाम हैदर भाई। और गुलाम हैदर भाई जब वहां पे पहुंचेंगे तो आप इंडियन से, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ये अब आपके कोर्ट में बॉल है, आप जिस तरह से चाहेंगे जैसे चाहेंगे, आप बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, हमने देखा है। और खास तौर पे भारत की महिलाएं, मैं उनको सल्यूट पेश करता हूं, मैं उनको थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस सारे केस में हम सबका साथ दिया और अपने पर बहुत कुछ बर्दाश्त किया, उसके लिए मैं माजरत करता हूं कि आपको ये सब कुछ सुनना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपके हमवतनों ने, आपके लोगों ने आप पर बातें की, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप इतनी इंडिपेंडेंट हैं कि आपको किसी की परवाह नहीं, आप यहां पर कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि हक और सच के लिए खड़ा होना है, तो आपने करके दिखाया। मैं यहां पर जिनके भी नाम लूं कम है, इसलिए ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें हर शख्स ने अपना एक किरदार प्ले किया है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मामला आप लोगों की वजह से हुआ है। अब ये कानूनी जंग है, जब ये गुलाम हैदर साहब पहुंचेंगे वहां पर, मामला किस तरह से आगे बढ़ेंगे जब अदालत सुनेगी। तो गुलाम हैदर साहब हमेशा से एक बात करते आए हैं कि उन्हें इंडिया की अदालतों पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और मैं भी पूरे दिल से ये बात करता हूं कि हमें इंडिया की अदालतों पर पूरा भरोसा है, इंसाफ होगा। और एपी सिंह, आप कहते हो ना जस्टिस फॉर ऑल, तो जस्टिस फॉर ऑल अब गुलाम हैदर के लिए भी जस्टिस है, तो वो आएंगे अपने जस्टिस लेने के लिए, पीछे नहीं हटना। अब आपने सामने आना है और ये जस्टिस पूरी करनी है। और हम चाहेंगे कि गुलाम हैदर साहब अपने बच्चों से जल्द अज जल्द मुलाकात करें और जब अब्बू के लफ्ज उनके कानों में पड़ेंगे, बच्चों के दिलों से जो वो एक कहते हैं ना प्यार अपने बाप के लिए सामने आएगा, तुम जितने मर्जी जुल्म कर लो, जितने मर्जी बच्चों के रबते खत्म कर दो, जो कुछ मर्जी कर दो, बाप बाप ही होता है और आ रहा है बाप। एपी सिंह, तुम्हारे मुंह पर कालक मलने के लिए और सचिन, तुम्हें तुम्हारी औकात याद करवाने के लिए, बहुत जल्द गुलाम हैदर साहब इंडिया में होंगे। और ना सिर्फ वो इंडिया में होंगे बल्कि मोमिन सर के साथ हम सब और इंडिया की सारी आवाम, चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो मजहब को, जो धर्म को आड़ बनाकर इसको गलत करने के चक्कर में हैं या जो शायद एपी सिंह के धोखे में आ गए हैं, लेकिन मेजोरिटी उन लोगों की है जो ना सिर्फ सही को सही और गलत को गलत समझते हैं। तो मैं यहां पर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ये खबर ब्रेक करते हुए मेरी खुशी का भी आप अंदाजा लगाएं कि मैं बहुत खुश हूं और हंस के ये खबर आपके साथ ब्रेक कर रहा हूं। सो इसी बात के साथ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि ये मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस नहज पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलते जाएं और गुलाम हैदर साहब को अपने बच्चे मिले, वो इंडिया भी जाएं, नेपाल भी जाएं, वहां पे सारे मामलात हों और कानूनी चाराजोई के साथ ये मामला आगे बढ़े। तो मेरी पूरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ करें, आप भी प्रार्थना करें, जब भी अपने मजहब के मुताबिक जिस तरह से भी आप दुआ करते हैं, आप जरूर दुआ करें कि गुलाम हैदर एक इंतहाई मजलूम, एक इंतहाई मस्कीन, एक इंतहाई लाचार इंसान है, उसके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका अजाला उसको हो और उसके बच्चे उसको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।